अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अमना राजपूत। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बाउंड्री पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट। लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज सेट टू बी अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। हमें एक सेट एक्स गिवन है और हमें उस पर एक टोपोलॉजी गिवन है टॉप। उसके बाद हम x का एक सबसेट ले लेते हैं a। अब हम x के हर एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो बाउंड्री पॉइंट है a का या नहीं। उसके लिए वो बाउंड्री पॉइंट होगा a का इफ फॉर एवरी ओपन सेट यू एक्स कंटेन x। कि अगर हर ओपन सेट, टोपोलॉजी का हर ओपन सेट जो कि उस x एलिमेंट को कंटेन कर रहा होगा, वो अगर हमारे पास वी हैव ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो बाउंड्री पॉइंट है a का। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक एक्स लिया है सेट ए बी सी डी का और उस पर हमने एक टोपोलॉजी जनरेट कर लिया। उसके बाद हमने एक्स का एक सबसेट लिया है जो कि जिसके एलिमेंट है ए बी एंड सी। सो हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं। हमने बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने हैं ए के, तो इसके लिए हमें ए का कम्प्लीमेंट चाहिए। हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास सिंगल एलिमेंट है डी। अब हमने एक्स के हर एलिमेंट को चेक करना है कि वो बाउंड्री पॉइंट है या नहीं। तो हम सबसे पहले एक्स के एलिमेंट ए को कंसीडर कर लेते हैं। ए को चेक करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि हमने टोपोलॉजी के हर ओपन सेट जिसमें ए कंटेन कर रहा है उन सब को चेक करना है। अगर उनमें से कोई एक भी ओपन सेट जो हमारे पास दो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम कहेंगे कि वो बाउंड्री पॉइंट नहीं है। तो हमने सबसे पहले वो ओपन सेट्स लिख लिए हैं जिसमें ए कंटेन कर रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले ए सिंगल सेट है, उसके बाद ए सी, ए सी डी और एक्स। हमने टोपोलॉजी के वो सेट ले लिए हैं, ओपन सेट ले लिए हैं जिसमें ए कंटेन कर रहा था। तो हमने सबसे पहले हमने ओपन सेट ए सिंगल सेट वाले को ले लिया। इसको हम चेक करेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर ये कर जाएगा तो उसके बाद हम अगले ओपन सेट को चेक करेंगे। अगर ये भी कर जाएगा तो उससे अगले को, इनमें से अगर कोई भी ए सी सपोज हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे और हम कहेंगे कि ये बाउंड्री पॉइंट ए का नहीं है। सो सबसे पहले हमने ए को लिया। इसकी हम फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ओपन सेट जो होता है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू फाइव आना चाहिए। जब हमने ए इंटरसेक्शन ए लिया तो हमारे पास सिंगल सेट ए ही आ गया जो कि नॉट इक्वल टू फाइव है, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अब सेकेंड कंडीशन है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो हमारे पास जब ए कम्प्लीमेंट तो हमारे पास डी है, और डी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमारे पास फाइव आएगा क्योंकि इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन नॉट इक्वल टू फाइव आनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास फाइव आ गया तो सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और हम कहेंगे कि जो ए है वो बाउंड्री पॉइंट नहीं है। सो इसी तरह अब हम एक्स के दूसरे एलिमेंट बी पे जाते हैं और जो हमारे उसको हम चेक करेंगे। और हमने देखा कि टोपोलॉजी में हमारे पास सिर्फ एक ओपन सेट एक्स है जिसमें हमारे पास बी कंटेन कर रहा है। जैसे देखें आप, हमारे पास फर्स्ट इसमें भी बी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें बी कंटेन कर रहा है। तो हम सिर्फ एक ओपन सेट एक्स ले लेंगे। तो हमने ओपन सेट एक्स ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि हमने पहली कंडीशन देखी एक्स इंटरसेक्शन ए। एक्स इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमारे पास ए आएगा जो कि नॉट इक्वल टू फाइव है। दूसरी कंडीशन हमने देखी एक्स इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, जो कि ए कम्प्लीमेंट है वो भी नॉट इक्वल टू फाइव है। इट्स मीन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह देंगे कि बी इज़ द बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। इसी तरह सिमिलरली हम सी और डी को चेक करेंगे, और इसी तरह सी जो है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा ए का, और डी जो है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट होगा डी का। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, बाउंड्री पॉइंट्स अगर हमने ए के फाइंड करने हैं तो हम लिखेंगे बी डी ऑफ ए। इसको डिनोट ऐसे कि बाउंड्री पॉइंट को डिनोट इस तरह करते हैं, और हमारे पास बी और डी जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए हमारे पास बी और डी को हम सेट में लिख लेंगे और ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है ए के। इसके बाद द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रंटीरियर पॉइंट्स, हम जो है बाउंड्री पॉइंट्स को फ्रंटीरियर पॉइंट्स भी बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं। एक तो हमने देखा बी डी ऑफ ए से, और एक हम उसको डिनोट कर सकते हैं डेल ऑफ ए से। उसके बाद हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं। बाउंड्री ऑफ फर्स्ट हमारे पास है कि बाउंड्री ऑफ ए इक्वल्स टू बाउंड्री ऑफ ए कम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास कोई एक सबसेट है एक्स का, उसके हम बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करते हैं, तो वही बाउंड्री पॉइंट्स जो हम उसके एक कम्प्लीमेंट ले लें और उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करेंगे वो दोनों हमारे पास इक्वल होंगे। उसके बाद हमने पिछली कुछ वीडियोस में इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट्स को भी फाइंड करना सीखा है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास बाउंड्री पॉइंट से उसका क्या रिलेशन है, वो ये है कि हम इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करें और एक्सटीरियर और बाउंड्री को, इन तीनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सेट एक्स बनेगा।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रिमार्क है कि हम बाउंड्री ऑफ ए, अगर हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर हमें गिवन हो तो हम इन दोनों की हेल्प से हम बाउंड्री ऑफ ए भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि हम इन दोनों का इंटीरियर एक्सटीरियर का यूनियन लें और उस यूनियन का कम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास बाउंड्री ऑफ ए के इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास है कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू फाई, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर में हमारे पास कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता। इसके नेक्स्ट है इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू फाई, इट्स मीन कि इंटीरियर और बाउंड्री में भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू फाई, इट्स मीन कि हमारे पास ये जो तीन चीज़ें हैं इंटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ ए, ये तीनों हमारे पास डिफरेंट इनकी वैल्यूज आती हैं, इनमें हमारे पास कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।